तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। अपने भीतर की समूची मानसिक शक्ति को एकाग्र या केंद्रीभूत करते हुए तन्मय हो जाना ही ध्यान है। ध्यान प्रत्यक्ष जगत को दिव्य जगत से जोड़ने वाली सीढ़ियों की तरह है। आत्मबोध और आत्मसिद्धि का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। ऋषियों की घनघोर तप साधना का आरंभ भी इसी सीढ़ी से हुआ था, जिसने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी सिद्धियों के स्वर्ग द्वार खोले। सिद्धियों का सतरंगी संसार लुभाता तो है, पर प्राप्त कैसे हो? मन तो मनमौजी है, एक स्थान पर ठहरता ही नहीं और पकड़ो तो हाथ भी नहीं आता। पर यही मन है जिसने सहज साधारण दिखने वाले व्यक्तियों को विलक्षण वैज्ञानिक बना दिया, महान लेखक, संत और कवि बना दिया, क्रांतिकारी, युग दृष्टा बना दिया। और यही मन है जिसने इसी मनुष्य को थर्रा देने वाला क्रूरतम हिंसक मनुष्य बना दिया। मनुष्य की सभ्यता का समूचा इतिहास वस्तुतः मन का ही खेल है, परंतु आज मन ही मन की शांति को लूट रहा है। क्षुद्र स्वार्थ सिद्धि उसकी मंजिल बन गई है और दोहरापन उसकी शान। ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं ही सामाजिक समस्याओं में परिणित होती हैं, जो पहले देश और समाज को फिर पूरी मनुष्यता को ही अपने चंगुल में जकड़ लेती है। मन की शक्ति का कोई माप, इसकी कोई सीमा नहीं। ये बारूद की तरह है जिसका साधारण उपयोग थोड़ी सी चमक दिखा कर रह जाता है, लेकिन बारूद को यदि कारतूस में बंद कर दिया जाए तो उसमें प्रचंड गति के साथ गजब की मारक क्षमता भर जाती है। वैसे ही सूक्ष्म शक्तियों को एक दिशा विशेष में केंद्रित कर दिया जाए तो वे चमत्कारिक नतीजे प्रस्तुत करती हैं। ध्यान एक ऐसी ही विधा है जिसमें चेतना के बिखरे कण एक दिशा में प्रवाहित होकर मनुष्य के सुप्त दिव्य केंद्रों को जागृत कर देते हैं। यही है नर से नारायण की दिशा में बढ़ने वाला पहला कदम। इस स्थिति में आते ही चुनौतियां आसान नजर आती हैं, लक्ष्य निकट आते प्रतीत होते हैं, अशांति, तनावों और बेचैनियों की घुमड़ती घटाएं छट जाती हैं और मन निर्मल आकाश की तरह हर्ष भरी शांति का गुदगुदाता आंगन बन जाता है। अलग अलग उद्देश्यों, प्रयोजनों के लिए ध्यान के भिन्न भिन्न प्रकार और इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन तेजोमय प्रकाश हर व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय के इष्ट देव का चेतन रूप होता है, इसलिए प्रकाश ध्यान सार्वभौम है। गायत्री मंत्र का देवता भी सविता है। गायत्री मंत्र के साथ स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान उच्च स्तरीय उपासना है, क्योंकि इसी से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खुलते हैं और इसी से भूले भटके को अपना, अपने घर का पता याद आता है। भारतीय संस्कृति के महान जागरण के लिए समाधिस्थ मन है शांति कुंज। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं भरी पड़ी हैं, ऐसे केंद्र भरे पड़े हैं, ऐसे न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, नाभिक भरे पड़े हैं, जिनका विस्फोट यदि हो जाए तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए, व्यक्तित्व विलक्षण बन जाए। आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें ध्यान ही एकमात्र चिकित्सा है जो व्यक्ति को तनाव मुक्त कर सकती है।
ध्यान वस्तुतः नियमित करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि हम अपने अंदर की ऊर्जा के स्रोतों को सक्रियता की ओर मोड़ देते हैं। सक्रिय ध्यान ही सही ध्यान है, जिसमें हमारा चिंतन सही केंद्र पर केंद्रीभूत होकर के लग जाए, और न केवल लग जाए बल्कि हम अंदर के उन केंद्रों को जगाने लगे जो आज तक सोए पड़े थे। प्रतिभा का केंद्र, स्मरण शक्ति का केंद्र, हमारे मेधा का केंद्र, हमारे अंदर के अतिरिक्त क्षमताओं का केंद्र, इन सब को जगाने के लिए ही ध्यान किया जाता है। ध्यान योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लिए भगवान ने भारतीय संस्कृति के माध्यम से ऐसी ऊर्जा के स्रोत के रूप में दी है, जो हर व्यक्ति चाहे तो नियमित रूप से कर सकता है। न केवल कर सकता है बल्कि उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, एक नई संभावनाएं साकार हो सकती हैं। भगवान आपके ध्यान को सफल बनाए, आपके जीवन को और भी अधिक ऐसा संभावनाओं से भरा पूरा बनाए कि आपका व्यक्तित्व पूरे पूर्णता को विकसित होता हुआ परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा के अनुसार देव मानव बनाता हुआ आपको भगवान के काम में लगा दे, श्रेष्ठ कामों में लगा दे, आपको वरेण्य बना दे, आपको देव मानव बना दे।